हेलो दोस्तों, ममता की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही कम सामग्री में चीनी के पेड़े। तो देखिए इसमें क्या-क्या लगता है और ये कैसे बनता है। मैंने एक कटोरी चीनी ली है, ये मैंने एक कटोरी दूध लिया है, और ये हमने इलायची का थोड़ा सा पाउडर लिया है, और ये गार्निशिंग के लिए किशमिश, और ये थोड़ा सा एक चम्मच घी लिया है हमने। तो चलिए बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनते हैं ये। देखिए हमने कढ़ाई रख ली है और हम इसमें चीनी डाल देंगे। अब इसमें ये हमने जो दूध लिया है वो दूध भी डाल देंगे। और इसको धीरे धीरे चलाते रहेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। तब तक हम चीनी मेल्ट होके फिर ये गाढ़ा होगा, उसके बाद तब तक हम पकाएंगे इसको। तो हम धीरे धीरे चलाते रहेंगे और इसको पका लेंगे। अब देखिए इसको पकाते हुए हमें 12 मिनट हो चुके हैं और अभी गाढ़ा होने लगा है, थोड़ा टाइम और लगेगा। अभी पहले से बहुत ही थिक हो चुका है, थोड़ा टाइम और लगेगा इसको करने में। अब हम इसमें इलायची पाउडर है वो डाल देते हैं और धीरे धीरे चलाते रहेंगे। अब मीडियम स्लो पे चलाएंगे, अभी तक हमने गैस हाई कर रखी थी, अब हम गैस को कम कर लेंगे। देखिए अभी हमारा हो चुका है, पूरी चीनी और दूध आपस में एकदम से मेल्ट होके सूख चुके हैं। अब हम गैस को बंद करेंगे और हम इसमें एक चम्मच ये शुद्ध घी है, ये एक चम्मच ये डाल लेंगे और मिला लेंगे और गैस को बंद कर देंगे। हमने गैस को बंद कर दिया, अब इसको ठंडा होने देंगे। थोड़ा ठंडा होने के बाद थोड़ा सा और ठीक हो जाएगा, उसके बाद हम इसके पेड़े बना लेंगे। इसको थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं, ऐसे चलाते रहेंगे और ये ठंडा हो जाएगा। देखिए अब हमारा मिश्रण ठंडा हो चुका है, अब हम इसको अपने हाथ से पेड़े बना लेंगे। देखिए हमने अपना ये मिश्रण निकाल लिया था और ये अब ऐसे चलाते हुए मैंने धीरे धीरे इसको ठंडा कर लिया है कढ़ाई से निकाल के, और ये थिक हो चुका है। अब लड्डुओं की, अरे पेड़े की शेप में आ जाएगा। तो चाहे लड्डुओं की शेप बनाइए चाहे पेड़े की, मैं पेड़े की शेप दे रही हूँ तो उसमें शेप में आ जाएगा। तो मैं हाथों पे थोड़ा सा घी लगाऊंगी और इससे एक टीस्पून लेके ऐसे करके मैं ऐसे पेड़ों के शेप दे दूंगी इसको। थोड़ी देर के बाद ये टाइट हो जाएगा। ऐसे एक एक करके मैं अपने सारे पेड़े बना लूंगी। देखिए हमारे अब सारे पेड़े बन के तैयार हो गए हैं, और हमने गार्निशिंग के लिए किशमिश ली थी, वो किशमिश सारे पे लगा देंगे। और उतने एक कटोरी चीनी और एक कटोरी दूध में मेरे 15 पेड़े बन के तैयार हो गए हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं फ्रेंड्स, इसको ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपने कैसे बनाया और कैसा लगा। देखिए अब हमारे पेड़े तैयार है और हमने सर्व कर लिया है। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को देखें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट दें। और हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत 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 थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बाय बाय दोस्तों।